प्रदेश में चार धाम यात्रा को लेकर सरकार से लेकर आम जन तक तैयारियों में जुटा हुआ है। होटल संचालक जहां होटलों की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में लगे हैं, तो वहीं प्रशासनिक अमला ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुधारने में लगा हुआ है। इन सबके बीच कुछ युवा श्रीनगर को साफ सुथरा बनाने में लगे हुए हैं। सोल्जर ऑफ एनवायरनमेंट के सदस्य सुमन जोशी बताते हैं कि वह दो टाइम शहर भर में जगह जगह पड़े हुए कूड़े को उठाने का कार्य करते हैं। अमूमन उनके दिन की शुरुआत श्रीनगर के घाटों, घूमने फिरने की जगहों पर कूड़ा उठाने से शुरू होती है। जो कूड़े को उठाते हैं उसे बेचकर बच्चों के लिए कॉपी, किताबें, स्टेशनरी का सामान खरीदकर स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को दे दिया जाता है। देखिए यूके लाइव के लिए श्रीनगर से भगवान सिंह की रिपोर्ट। उद्देश्य हमारा शुरू से ही और अभी तक चला आ रहा है स्वच्छ पहाड़ अभियान के तहत कि हम पहाड़ों को हमें स्वच्छ करना है। तो अभी चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है तो हमारे पहाड़ों में देखिए जगह जगह आपने देखा होगा कि बोतलें वगैरह पड़ी हैं, ये पड़ी हैं, गंदगी पड़ी है पूरी। तो हम सभी से अपील करेंगे कि सभी लोग इसको पहाड़ को स्वच्छ करें और साफ रखें, और आने वाले जो यात्री वगैरह हैं उनसे भी हम यही अपील करेंगे। अभी हमारा 41वां हफ्ता चल रहा है, लगातार चल रहा है, लगातार हम सभी लोग स्वच्छ पहाड़ अभियान के तहत पूरी मेहनत कर रहे हैं कि पहाड़ों को जितना हो सके उतना साफ करें। अब तक इस कूड़े का जो कबाड़ से होता है आप लोग क्या करते हैं सर? क्या इस कबाड़ को हम जो है कबाड़ी वालों को देके वहाँ से जो भी हमें मेहनताना कहेंगे इसको जो मिलता है उसके थ्रू हम ग्लव्स वगैरह और मास्क वगैरह अन्य चीज़ें सामग्री वगैरह उनसे ही अपना यूज़ करते हैं लेते हैं। अग्रवाल कलेक्ट नाम से हमारी टीम बनी है, स्वच्छ पहाड़ अभियान चल रहा है जिसका आज 41वां हफ्ता है। और जैसे कि यात्रा शुरू होने वाली है, देश विदेश से पर्यटन हमारे क्षेत्र में आएंगे, तो इस प्रकार की अगर गंदगी वो लोग यहाँ पे देखेंगे, शराब की बोतलें सड़क पे पड़ी हुई, तो बहुत बुरा संदेश जो है हमारे प्रदेश के प्रति अन्य जगहों पर जाएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पे लोकल के लोग भी यहाँ पे उठने बैठे घूमने आते हैं तो हम सभी से अपील करना चाहेंगे कि जो ये आप बेवजह ही गंदगी, शराब की बोतलें सड़क के किनारे आप फैला रहे हैं, कृपया इस प्रकार का कूड़ा आप ना फैलाएं और अपने शहर को, अपने पहाड़ को स्वच्छ बनाने में हमारा सहयोग दें। और जो ये कूड़ा जितना भी हम इकट्ठा करके ले आते हैं, जैसा कि आपने पूछा हमसे क्या करते हैं, तो जो कबाड़ी होता है उसको हमें कूड़ा दे देते हैं, जो भी उसके बदले में जो भी हमें धनराशि प्राप्त होती है। तो एक तो हमारे जो ग्लव्स हो गए, हमारे मास्क हो गए, इस प्रकार की सामग्री हम अपने जो हमारे अभियान में यूज़ होने वाली चीज़ें उनको हम लाते हैं, और बाकी जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए जो पेंसिल, कॉपी, पुस्तकें जो है उस चीज़ की सामग्री भी ला के हम स्कूलों में उनका वितरण करते हैं। यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।